हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सूची। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अप्रैल में घोषणा होता है हर साल, लेकिन इस बार लोकसभा होने के कारण अगस्त में किया गया। और जितने भी ये पुरस्कार हैं सभी 2018 के फिल्म पुरस्कार हैं जो 2018 में फिल्म आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला को देख रहे हैं, बेस्ट फिल्म पुरस्कार अंधाधुन को मिला है। फिर बेस्ट एक्टर को मिला है आयुष्मान खुराना, कौन सा फिल्म के लिए, तो अंधाधुन के लिए, ठीक है। और साथ में विक्की कौशल जी हैं, उनको मिला है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। तीसरा है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड के लिए आदित्य धर, किस फिल्म के लिए मिला क्या है, तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जीते हैं वो, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस सुरेखा सिकरी, ठीक है, कौन सा फिल्म का है, तो बधाई हो का है। फिर बेस्ट, पांचवा नंबर पे देख सकते हैं, बेस्ट प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह, बीते दिल पे मिला है, ठीक है, पद्मावत मिला इनको, पद्मावत ये फिल्म है। उसके बाद छठा क्वेश्चन देख सकते हैं, बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म बधाई हो, बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म में जो पुरस्कार दिया गया है वो कौन सा फिल्म है, बधाई हो को दिया गया है। फिर सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं, सामाजिक मुद्दे पर बेस्ट फिल्म कौन सा बना है, तो पैडमैन अक्षय कुमार के जो थे। फिर आठवां क्वेश्चन है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसको दिया गया है, तो उत्तराखंड को दिया गया है। फिर नौवां क्वेश्चन पे देख सकते हैं, बेस्ट कोरियोग्राफर किसे दिया गया है, तो पद्मावत के गाने घूमर के लिए कृति महेश और ज्योति तोमर को दिया गया है, पद्मावत के गाने में घूमर के लिए, ठीक है, किसे दिया गया है, तो देख सकते हैं कृति महेश और ज्योति तोमर को दिया गया है। दसवां क्वेश्चन पे देख सकते हैं, बेस्ट एक्शन डायरेक्टर किसे दिया गया है, तो KGF के लिए दिया गया है, प्रशांत नीलम को, ठीक है, बेस्ट एक्शन डायरेक्टर KGF, ठीक है, तो किसे दिया गया है, प्रशांत नीलम को। अब ग्यारहवां क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए किसे दिया गया है, ठीक है, तो देख सकते हैं फिल्म पद्मावत के लिए संजय लीला भंसाली को दिया गया है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाला एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएंगे ही, हर एग्ज़ाम में, आपका हो स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर SSC JPSC SSC के जितना भी एग्ज़ाम है सभी में आएंगे, ठीक है, तो ये सभी आप क्वेश्चन देख लेना। झारखंड से मैं भी बोल दिया हूँ कि आएगा ही आएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो ये वाला तो लाइक भी कर देना। तो चलिए बारहवां क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन कौन दिया है, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन तो किसे मिला है पुरस्कार, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का, ठीक है। फिर तेरहवां क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट ऑडियोग्राफी साउंड डिजाइनर किसे है मिला है, तो देख सकते हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को। फिर चौदहवां देख सकते हैं, स्पेशल मेंशन किसे दिया गया है, तो महान हुतात्मा को दिया गया, ठीक है। फिर पंद्रहवां क्वेश्चन देख सकते हैं, बेस्ट राजस्थानी फिल्म तो टर्टल लंब है, ठीक है। फिर सोलहवां क्वेश्चन देख सकते हैं, बेस्ट गुजराती फिल्म कौन सा है, तो रेवा है, ठीक है। फिर सत्रहवां क्वेश्चन है, बेस्ट मराठी फिल्म कौन सा है, भोंगा, ये सब भी जरूरी है।
फिर 18वां देख सकते हैं बेस्ट उर्दू फिल्म हामी दग, बेस्ट उर्दू फिल्म हामी दग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। गारो में बेस्ट फिल्म अवार्ड मामा, गारो में बेस्ट फिल्म अवार्ड मामा को दिया गया, ठीक है। बेस्ट पंजाबी फिल्म तो देख सकते हैं बेस्ट पंजाबी फिल्म कौन सा है, फिल्म कौन सा है, हर जीता। बेस्ट मेकअप फिल्म रंजीत, तो ये सभी 2018 के थे, ठीक है। फिल्म उसी जो जो अच्छे थे उसी को अवार्ड दिया गया है पुरस्कार। तो अगर आप ज़रूरत पड़े तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आगे।